हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। कर गए या रसूल अल्लाह, वो सब कुछ कर गए, एक बार देखकर हम कुछ नहीं कर पाए लगातार देखकर। और महफिल में आया था आंखें बेचने, जब गया तो सारा मेला ले गया। और पढ़ के इसने नाते सरवरे कौन है सबके हिस्से की अकेला ले गया। बहरहाल नवाज रहे हैं बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कल्लिया के सादात लोग हैं, माशाल्लाह सबको बराबर नवाजा करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए हजरत एक शेर पढ़ लिया जाए, इजाजत हो तो पढ़ लिया जाए। हाथों टोक उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, हाँ एक बार और कहें या रसूल अल्लाह, कि ला मका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ। हजरत की तवज्जो, ला मका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ। किसकी है हिम्मत चले जो मुस्तफा के साथ साथ, किसकी है हिम्मत चले जो मुस्तफा के साथ साथ। लामका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, किसकी है हिम्मत चले जो मुस्तफा के साथ साथ। और प्यास 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 की शिद्दत का भला उसकी कोई अंदाजा नहीं, प्यास की शिद्दत का जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो भला क्या चल सकेगा करबला के साथ साथ। वो भला क्या चल सकेगा चल, वो भला क्या चल सकेगा करबला के साथ साथ। हजरत तो बताना सिर्फ इतना चाहते थे कि जमाने वाले उसे कह दो जमाना लेके चलते हैं। इजाजत हो के हुजूर सैयदना गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं इजाजत दूं। अगर आपको इजाजत दे रहे कहें अल मदद गौसे आज़म, और कहें मचलकर या रसूल अल्लाह, जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। जो भी हैं कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं, जो भी हैं कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। उसे तो गर्दिशे दौरा परेशान कर नहीं सकता, उसे तो गर्दिशे दौरा परेशान कर नहीं सकता। जो गौसे पाक के लंगर का दाना लेके चलते हैं, जो गौसे पाक के लंगर का दाना लेके चलते हैं। और अनवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, हम कहें या रसूल अल्लाह कि अनवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, अंबार दिल के बहते सफीने में ले चलो। और बीमार शहे इश्के मदीना है इसका दिल, हमें उंगली पकड़ के इसको मदीने में ले चलो, उंगली पकड़ के इसको मदीने में ले चलो। गौसे पाक की नात का एक शेर पढ़ दिया जाए, मनकबत का कहें या रसूल अल्लाह, और कहें अल मदद गौसे आसम। गौसुल वरा की महफिल जो लोग सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर वो अपना जगा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर वो अपना जगा रहे हैं। और बगदाद वाली आका की करामत तो देखिए, बगदाद वाली आका की देखिए करामत। फरमा के कुंडीजनी मुर्दे जला रहे हैं, फरमा के कुंडीजनी मुर्दे जला रहे हैं। और करम हद से ज्यादा साहिब बगदाद करते हैं, कहिए या रसूल अल्लाह कि करम हद से ज्यादा साहिब बगदाद करते हैं। वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं, कि तुम याद ना करना मुस्तफा को नमाज में, तुम याद ना करना मुस्तफा को नमाज में। ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। आपके और मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, तुम याद ना करना मुस्तफा को नमाज में। ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। और मैंने जो याद किया मुस्तफा को नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। क्योंकि हजरात तैयार की रजा ने दवा कूट कूट कर, तैयार की रजा ने दवा कूट कूट कर, और सैलाब सुन्नियों का चला फूट फूट कर। कहें या रसूल अल्लाह,
कहें या रसूल अल्लाह कि तैयार की रजा ने दवा कूट कूट कर सैलाब सुन्नियों का चला फूट फूट कर, और इश्के नबी रजा के मतब खाने का है नाम, इश्के नबी रजा के मतब खाने का है नाम, बीमार ला रहे हैं शिफा लूट लूट कर, बीमार ला रहे हैं, बीमार ला रहे हैं शिफा लूट लूट कर। और देखी देखी जो सुन्नियों के हलीम में बोटियां, चेहरे खिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे खिल गए जैसे गुलाब खिल जाया करता है। अभी शेर आने वाला है, आप मचल जाएंगे इंशाल्लाह। देखी जो सुन्नियों के हलीम में बोटियां, वो भी पड़े कौए की तरह टूट टूट कर, वो भी पड़े कौए की तरह टूट टूट कर। लेकिन हजरात वक्त को समझना चाहिए, शायर इस्लाम को बुलाना चाहिए, बना ले कहें या रसूल अल्लाह तो हजरत को पेश किया जाए, क्योंकि ये ऐसा शायर है जब ये पढ़ता है ऐसा लगता है इसे ही सुना जाए, बहुत अच्छे शायर हैं जिनसे मेरी मुराद होगी, अहमद रजा ज़ियाई साहब क़िबला। अगर आप पूरा मजमा, अगर एक जिंदा दिली का सबूत दे दे, क्योंकि हजरत जब तक आप बोलते रहेंगे ये बोलते रहेंगे। एक शेर याद आ गया हजरत कि जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगना बेकार, कि जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, अम्मा वो ठीक होकर के भी बीमार लगने लगते हैं। और जनाब जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से, जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जिसमें गुलाम दी सरदार लगने लगते हैं, जिसमें गुलाम दी सरदार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जिसमें गुलाम दी सरदार, जिसमें गुलाम दी सरदार लगने लगते हैं। क्योंकि हजरात तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा, कि तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा, वो खुदा वो खुदा वो खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा। और शेर हो कहीं का भी बादब रहे वरना, कि शेर हो कहीं का भी बादब रहे वरना, हमें गौसे पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा, गौसे पाक का कुत्ता गौसे कहें या रसूल अल्लाह कि तू अगर आप भी कर ले कहें या रसूल अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह कि तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा, वो खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा। और शेर हो कहीं का भी बादब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी बादब रहे वरना, गौसे पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा, गौसे पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा। और इनके घर का बच्चा भी ना खुदाई करता है, कहें या रसूल अल्लाह कि इनके घर का बच्चा भी ना खुदाई करता है, रेत पर अगर चाहे कश्तियां उड़ा देगा, रेत पर अगर चाहे कश्तियां उड़ा जाएगा। और चटपटे माहौल में चटपटी जो बुजुर्ग हैं वो समझ जाएंगे कहें या रसूल अल्लाह कि पैरहन फकीरी का, पैरहन फकीरी का जेबदम तो कर लीजिए, अरे जनवरी दिसंबर की सर्दियां उड़ा देगा, जनवरी दिसंबर की सर्दियां उड़ा देगा। आइए हजरत बहुत देर हो चुकी है, आप हजरत अगर जिंदा दिली का सबूत दे दें तो अहमद रजा ज़ियाई साहब को बुला लिया जाए, क्योंकि हजरत जब तक आप बोलते रहेंगे ये पढ़ते रहेंगे, चाहे फजर की जमात यही लगाना पड़ जाए। कहें या रसूल अल्लाह, हजरत की आमद हो रही है, एक नारा लगा रहे जोरदार, कहें नारा तकबीर, नारे गौसियत मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने ताजो शरिया। आली जनाब शायर इस्लाम अहमद रजा ज़ियाई साहब क़िबला।